अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुहेल जावेद थ्री प्लेट चैनल के साथ एक मरतफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं मौजूद हूँ MBA चायवाला के पास। तो आइए जानते हैं इमरान साहब जो इनके ऑनर हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये जो MBA चायवाला जो ढाबा है वो बनाया, इसके पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो मैं उस साइड पे आया था और वहाँ पे आपका काम यानी कि बहुत ही लो एक छोटे लेवल के ऊपर था, लेकिन माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि एक अच्छे वसी लेवल के ऊपर आप लोग आपका काम जो चल पड़ा है। तो इसके पीछे राज क्या है वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी आप ये बताएँ कि MBA आपकी तालीम है, तो आप मुझे ये बताएँ कि MBA करने के बाद आपने ये काम करने का क्यों सोचा। लोगों को ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जिस बंदे ने MBA कर लिया है या इस तरह की कोई भी हायर डिग्री है तो उसको जॉब करनी चाहिए। मेरा व्यू ज़रा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अगर आपने MBA किया हुआ है तो MBA तो सिखाते ही आपको बिज़नेस है, तो MBA करने के बाद भी अगर आप बिज़नेस ना करें तो फिर MBA का कोई फ़ायदा नहीं है। डजेंट मैटर वो एक ढाबा है या वो कोई फैक्ट्री आपने लगा ली है या वो कितना छोटा या बड़ा काम है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी अप्रोच कितनी बड़ी है, और जब आपकी अप्रोच बड़ी होती है तो हमेशा काम जो है वो छोटे लेवल से ही शुरू होता है। इसी तरह हमने भी एक बड़े छोटे से लेवल से शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब इट्स डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप अपने MBA चाय वाले ढाबा जो है इसके ऊपर आप चाय के बजाय दूध पत्ती जो है वो देते हैं, लेकिन नाम जो है वो चाय वाला है, इसके पीछे क्या कहानी है। वेल एक्चुअली जब हमने शुरू किया था तो दूध पत्ती के नाम से शुरू किया था, और उस वक्त एक बड़ा बेसिक सा आइडिया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे माइंड में कोई बड़ा बहुत बड़ी पिक्चर थी इसकी, नहीं, मेरे माइंड में यही था कि अच्छा मैं जॉब कर रहा हूँ, साथ साथ एक छोटा सा काम भी करता हूँ। तो बड़ी नॉर्मल सी दूध पत्ती थी हमारे पास, 3-4 किस्म की, 5 किस्म की, और दूध पत्ती ही हम बेचते थे, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा दूध पत्ती। जो हमने इसको रीब्रांड किया ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, क्योंकि मुझे लगता है कि दूध पत्ती एक बड़ा जेनेरिक सा नाम था, लेकिन जो MBA चाय वाला वो एक बहुत अट्रैक्टिव सा नाम है। वो जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार इसके पीछे कोई स्टोरी हो सकती है, तो एक यही ऑब्जेक्टिव था। वरना सर्व जो है वो आज भी हम एग्जैक्टली उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट कर रहे हैं जो हमने पहले दिन किया था। दूध पत्ती है, पानी का कोई इस्तेमाल नहीं होता हमारे पास बर्तन धोने के अलावा। अच्छा नाज़िन, मैं आपको बताता चलूँ कि MBA चाय वाले को तकरीबन पिछले 1.5 साल से हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके इनकी जो प्रोडक्ट हैं दूध पत्ती चाय हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं वो हम लाजमी यहाँ पे आके दोस्तों के साथ पीते थे। उसका जो जायका है वो हमें दूसरी चाय या दूध पत्ती के अंदर नहीं मिलती है, तो इसके पीछे राज क्या है, पत्ती है या दूध है, ये आपको इमरान साहब बताते हैं। जी सर। वेल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो चाय में या दूध पत्ती में है वो दूध है, और सेकेंडली पत्ती है। तो दूध का सीन कुछ इस तरह से है कि हमारा, मैं बेसिकली चिन्नौर से हूँ, चिन्नौर के पास हमारा एक छोटा सा गांव है जूदी सुल्तान के नाम से, बहुत छोटा सा, 500 हार्डली आबादी होगी उसकी। तो जब मैंने सोचा था तो मैंने कहा यार दूध वहाँ से मंगवाना है, यहाँ पे दूध नहीं मिलता लाहौर में सही तरह। तो मैं खुद चाय हॉलिक हूँ तो चाय पीने का बड़ा शौक है, लेकिन जहाँ से भी पिए चाय ना मज़ा नहीं आया, वो वाली चीज़ नहीं मिली जो हम गाँव में पीते हैं। तो आई थॉट कि यार दूध जो है ना वो गाँव से मंगवाना है, तो दूध हमारा गांव से आता है नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि हम पत्ती जो है वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और चाय या दूध पत्ती के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, दूध और पत्ती। आप इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें तो प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा ही निकलता है। अच्छा, दूध पत्ती जब हमने शुरू किया था, जैसे कि मैंने पहले किया, तो हमारे पास कोई 5 किस्म की थी, आज हमारे पास 20 वेरियंट्स हैं दूध पत्ती के या चाय के। उसके साथ कॉफ़ी है, फ्राइज़ हैं, रैप हैं, सैंडविचेज़ हैं, गुलाब जामुन हैं, समोसे हैं, और अब आगे हम एक और चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगेन वो भी मैं नहीं बताऊंगा, उसके ऊपर अभी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होगी। तो बस ये है अभी जो चीज़ें हम सर्व कर रहे हैं लोगों को। अच्छा नाज़िन, एक बड़ी अच्छी बात इमरान साहब में ये है कि इन्होंने MBA करने के बाद, क्योंकि बिज़नेस का एक आइडिया इनके पास आ गया था और उसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। बताते हैं अपने, मेरी जो बैकएंड पे बात हुई, इन्होंने बताया कि हॉस्टल के अंदर चाय भी ये खुद बनाते थे, यानी दोस्तों वगैरह के साथ जो भी सिलसिला होता था। तो MBA करने के बाद इनको एक बिज़नेस का आइडिया आया और उस बिज़नेस के अंदर इन्होंने जो है वो एक्सपेरिमेंट किए, और वो एक्सपेरिमेंट आज आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। जो कस्टमर आते हैं वो भी तारीफ़ किए बगैर जो है वहाँ से नहीं जाते हैं। तो सर मुझे ये बताइएगा कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किए उसको करने में आपको कितना असर, यानी कितने अरसे बाद आप समझते हैं कि आप इस काबिल हो गए थे कि अब आप सोचा MBA करने के बाद कि अब मैं बिज़नेस की तरफ आ गया। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ना, हमने फ़ास्ट फूड के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लोगों ने पाकिस्तान में, बर्गर्स के ऊपर, सैंडविचेस के ऊपर, अंग्रेज़ों की चीज़ों के ऊपर हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देख लें जो हमारा लोकल है, स्नैक्स हैं, लोग एक्सपेरिमेंट किया, समोसों के ऊपर कुछ किया हुआ लोगों ने, उसके अलावा किसी पर नहीं किया हुआ। चाय तो एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसको तो लोगों ने लावारिस छोड़ा हुआ था,
कि चाय तो एक है जो मिलती है अभी 30 रुपए में बेची जाती है, हाँ बस चाय तैयार हो गई। लेकिन मैंने यहाँ पे एक मैंने गैप देखा, जब मैंने काम शुरू किया 2-3 मंथ के बाद मुझे एक गैप नज़र आया कि यार ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट है, इसके ऊपर तो किसी ने काम ही नहीं किया। देन आई थॉट कि यार जो काम मैंने शुरू किया था कि मैं चाय बेचूंगा, उससे फिर वो चीज़ बहुत आगे निकल गई। देन आई थॉट कि यार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं, कुछ नए वेरिएंट्स लेके आते हैं। देन वी केम अप विद द आइडिया कि हम जो है वो 15 किस्म की चाय बेचेंगे। उस समय हमारे पास 15 वेराइटीज़ हम लेके आए, उसमें 2 ऐसी वेराइटीज़ थी जिसने एक्चुअली में हमने मार्केट से बड़ा स्टैंडर्ड किया, वो हमारी वी कैन प्राउडली से कि वो हमारी इनोवेशन है। एक उसमें ओरियो वाली दूध पत्ती है और एक खोया खजूर वाली दूध पत्ती। अब ये 2 दूध पत्ती जो हमने खुद बनाई है, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलती। कश्मीरी है वो आपको मिल जाती है, चॉकलेट है वो भी मिल जाती है, लेकिन ये 2 जो वेरिएंट्स हैं ये आपको पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये हमने खुद बनाए हैं। अब लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया, जो कि हम बड़ा खुश होते हैं। लोग हमसे आके उसका रेसिपी लेते हैं, हम लोगों को बताते भी हैं। लेकिन ओरियो और खोया खजूर वाली जो दूध पत्ती या चाय है, ये 2 ऐसे वेरिएंट्स थे जिसने हमें मार्केट से बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड किया। और ये हमारे इनमें खोया खजूर इस सीज़न में हमारी हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। अच्छा, खोया खजूर से मुझे याद आया कि हम जब गर्मियों में दोस्तों के साथ जाते थे किसी जूस कॉर्नर पे, तो दोस्त ऑर्डर कर देते खोया खजूर दे दो या ये दे दो शेक दे दो। तो ये खोया खजूर तो एक जूस आइटम थी, ये आप इसको चाय में किस तरह लेकर आए? अच्छा, फूड में जो सबसे बड़ा एक आपको एज होता है ना, जब आप फूड का बिजनेस करें तो इसमें एक्सपेरिमेंट की कोई लिमिट ही नहीं होती, आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो हाइजीनिकली ठीक है। उसके अलावा आप दुनिया जहान की चीज़ बना सकते हैं, आप चाय क्या पता कल को हम चाय में मिर्चें डाल दें, ठीक है, प्रोवाइडेड के उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो हमें ये क्या था कि हम चाय के अंदर कुछ भी डाल सकते थे, हमने कुछ 2-3 चीज़ें डाली जो कि मिजरेबली फेल भी हुई। तो हम इस तरह का बिल्कुल हमारा आइडिया है कि हम कोई ऐसी चाय भी इन फ्यूचर स्टार्ट करेंगे जो थोड़ी तीखी हो, मीठी ना हो, तो उसमें देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं, वो जो फेल हो जाते हैं वो हम निकाल देते हैं, जो कामयाब हो जाते हैं उसको मेन्यू में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो है ये कि वी बिलीव इन एक्सपेरिमेंट्स। अभी तक हमने चाय के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो कि आगे भी करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारा इरादा है हम बाकी चीज़ों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स करें। अब इस सीज़न में अभी हमारे पास 20 वेरिएंट्स हैं, हम चाय के 50 वेरिएंट्स स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमसे मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। हमारे पास सेटअप भी बहुत बड़े लेवल का नहीं है जहाँ पर हम चाय 50 किस्म की चाय सर्व कर सकें। जब हमारे पास बड़ा सेटअप होगा तो फिर इंशाल्लाह हमारे पास हम 50, वो हमारे दिमाग में भी हैं, वो ऑन पेपर भी हैं, जो हमने आगे और वेरिएंट भी स्टार्ट करने हैं। नाज़रीन, बात ये है कि मैं जब इनके पास आता था तो इनके पास यहाँ पे सिटिंग का जो अरेंजमेंट था वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोगों की अरेंजमेंट थी, लेकिन आज यहाँ पे माशाल्लाह इनके पास 50 से 60 लोगों की अरेंजमेंट है। और इसके पीछे एक मेहनत है, एक लगन है और एक तजर्बा है जो इनको यहाँ तक लेकर आया हुआ है। तो इमरान भाई, मुझे ये बताएं आप कि लोगों की जो डिमांड है, दूध पत्ती तो होती है लेकिन आपके यहाँ पे चूंकि 15 किस्म की आप चाय दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डिमांड दूध पत्ती के अलावा और किस चीज़ की है? अच्छा, वो जो आपने पहले बात की उसका मैं कह दूँ, एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, 10-15 भी नहीं, जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास 4 बंदे सिर्फ बैठते थे, हमारे पास 4 मुड़े होते थे। बात होगी तब मैं आता नहीं था, लेकिन जब मैं आया मैं तब की बात बता रहा हूँ। हमारे पास 4 मुड़े होते थे और एक टेबल होता था, उसके ऊपर 4 बंदे बैठे होते थे और मैं होता था, चाय बना रहा होता था, बर्तन धो रहा होता था, सब कुछ कर रहा होता था। वहाँ से हमने जर्नी हमारी स्टार्ट हुई और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाँ पे ये किचन है, इसके पीछे वाली जो शॉप है वो अब हमारे पास है, अभी हमने रिसेंटली ली है, उसका अभी काम होने वाला बाकी है, लेकिन ये है कि इट्स गोइंग टू बी अ कैफे वेरी सून। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जैसा कि हमने कहा 50-60 बंदों की सीटें हैं, जो कि कम पड़ जाती है। सबसे जो ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है वो गुड़ वाली दूध पत्ती है और खोया खजूर दूध पत्ती है। उसकी वजह यह है कि गुड़ जो है वो भी हमारा गांव से आता है, तो गुड़ वाली जो चाय होती है, एक तो चाय वैसे ही गर्म होती है, जो गुड़ वाली चाय होती है वो उसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो गर्मी सर्दियों में बहुत ज़्यादा चलती है, और दूसरी खोया खजूर वाली वो तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो वो हमारा बहुत ज़्यादा, ये 2 प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो इमरान साहब, अब आप हमें ज़रा बताएं कि जो चाय आप बनाते हैं वो किस तरह, यानी कि क्या क्या मरहलों से गुजर के वो बनती है? अच्छा, उसमें बहुत सी चीज़ें मैं नहीं बता सकूँगा, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो हैं वो सीक्रेट हैं, लेकिन ये है कि बिल्कुल ये बच्चे चाय बना रहे हैं, आप कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बैक एंड पे हो रही होती हैं, वो आपके कैमरे की नज़र में नहीं आ सकेंगी, और वो बैक एंड पे इसलिए हो रही होती हैं कि वो कैमरे की नज़र में हम चाहते हैं कि ना आए, सीक्रेट लीक हो जाता है। तो वो यही समझें कि जैसे वो KFC की रेसिपी है ना, वो आप बेशक ऊपर खड़े होकर देख लें, आपको पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, तो आप ये लड़के बना रहे हैं, आपको बताते हैं ओरियो वाली कैसे बनती है, खोया खजूर वाली कैसे बनती है, बाकी जो हमारी चाय है वो बनती कैसे है, सर्व कैसे होती है। अच्छा, चाय बनाना एक आर्ट है, लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लोगों को लगता है कि बस दूध रखा और पत्ती डाल दी, पानी डाल दिया, चीनी डाल दी और गर्म हो गया तो बगे नहीं, चाय एक आर्ट है और हमें
ऐसा भी वक्त आया कि हमें एक एक साल लगा है बच्चे को ट्रेन करने में, एक परफेक्शन लाने में जी जी। क्योंकि मेरा एक बिज़नेस में रूल है, मेरा मानना है कि नो एक्सपीरियंस इज़ बेटर देन बैड एक्सपीरियंस। एक कस्टमर है, उसको आप ये कह दें कि चाय नहीं है, इससे बेहतर है कि आप उसको बुरी चाय दें, क्योंकि अगर आप उसको ये कह देंगे चाय नहीं है ख़त्म हो गया तो वो देर चांसेस कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको बुरी चाय पिला देंगे तो वो फिर वापस कभी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें एक एक साल भी लगता है बच्चों को ट्रेन करने में, और लड़के हमारे गांव से ही आते हैं, गांव से यहां का हम लड़का नहीं रखते। हमारा यही है कि यार चलो गांव के बच्चे जो वेले फिर रहे हैं उनको ज़रा काम पर लग जाएँ, हमारा भी काम चलता रहेगा और उनका भी। नाज़िर इमरान साहब, एक कामयाब स्टोरी जो है वो आपके सामने है कि इन्होंने तालीम के बाद जो है नौकरी को रिजेक्ट किया और अपने काम की तरफ इन्होंने तवज्जो की कि हम अपना ही काम करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे नज़र आती है कि आप किसी के मातहत होकर काम नहीं करते हैं, आपने ख़ुद अपने अपना रूल अपने रूल बनाने और आपने काम करना है, तो ये एक बड़ी कामयाबी जो है वो उसके पीछे जो है छुपी होती है, वो है आपकी अपनी सोच और आपकी मेहनत। अगर आप भी तालीम हासिल कर चुके हैं और आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो इमरान खान साहब की नज़र की तरफ देखें, इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लगन और मेहनत उसके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। अब आपके जो यहाँ पे कस्टमर बैठे हैं हम उनसे रिव्यू लेते हैं। माशाल्लाह, मैं अपना रिव्यू अगर दूँ तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको पूरे लाहौर में जो है इस जैसी चाय कहीं पर नहीं मिली, इस एरिया में भी नहीं कहीं पर मिलने लगी। साथ भी बैठे हुए और इस साइड पर भी बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर जो 15 किस्म की दूध पत्ती आपको मिलती है वो सबसे कमाल है, सबसे बेहतरीन है। 20 किस्म हो गए हैं, अब तो पहले 15 थी या 20 हो गए, चले 20 किस्म में से जो 5 किस्म नहीं आई है वो भी हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे इन फ्यूचर अपने दोस्तों के साथ आगे। आप लोग भी यहाँ पे लाजमी जो है इस चाय को, जिस दूध पत्ती को आगे टेस्ट करें, चेक करें। जी तो नाज़रीन, MBA चाय वाला के पास कुछ कस्टमर मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो यहाँ पे दूध पत्ती पीते हैं इसका जायका कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप पहले तो यहाँ कितने अरसे से आ रहे हैं? मैं यहाँ पे काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ, तो यहाँ पे आता रहता हूँ, तो यहाँ पे बड़ी अच्छी चाय बनती है। तो हमारे गिलगिती भाई ने एक सॉन्ग निकाला है चाय के बारे में, ये चाय चाय क्या है अजीब सा नशा है, शायद ये MBA चाय वालों के लिए ही बनाया। आप गिलगित के हैं? जी जी, मैं स्कर्दू का हूँ, गिलगित बल्तिस्तान। तो यहाँ पे आप कौन सी चाय जो है वो दूध पत्ती जो है वो ऑर्डर करते हैं, क्योंकि ये पहले 15-20 किस्म की चाय जो है वो बनाते हैं? ये मुझे तो सारी अच्छी लगती है, नाम याद नहीं रख पाता। कौन कौन सी पी चुके हैं? सब पी चुका हूँ। अच्छा, नाम कोई भी आपको याद नहीं है? तो ऑर्डर कैसे करते हैं आप? बस आप लोग लाते हैं, आप लोग पिलाते हैं, हम लोग पीते हैं बस। अच्छा जी, ये भाई बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो दूध पत्ती इन्होंने जो ऑर्डर की है वो कौन सी थी? जी यहाँ पे हमने शक्कर वाली कड़क चाय जो है वो ऑर्डर की थी, और हम डेली आके यहाँ पे पीते हैं, बैठते हैं। अच्छा, आपको जायका जो है वो कैसा लगता है दूसरी चाय में और इस चाय में, आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? सबसे पहले तो सरकार का फरमान भी है कि जिस प्लेट में या जिस बर्तन में आप खाएं वो साफ़ सुथरा और वो अच्छा होना चाहिए। तो इनका जो है ये जो प्यालियाँ और ये जो इनके बर्तन हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेहतरीन होते हैं, सफाई होती है, और इनकी चाय का टेस्ट भी अच्छा, अच्छी पकी हुई होती है, और ना ज़्यादा चीनी तो और शुगर शक्कर तो ये अलग से लेके आते हैं, और पत्ती भी ये फ्रेश यूज़ करते हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त चाय है। तो भाई आप बताएं, आप जो है वो जो चाय यहाँ पे आके दूध पत्ती पीते हैं उसमें आपको जायके में क्या फ़र्क नज़र आता है? बस ये अच्छी है जी चाय, तो मीठे आपको साथ ला रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे आप। जो मीठा स्वाद लाए हुए हैं जी, तो इस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं कि कितना मीठा होना चाहिए चाय। अच्छा, आप कौन से शहर से आए हैं जी? कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं स्कर्दू से आया हूँ। आप भी स्कर्दू के हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप? यहाँ पे स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट है सर। स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट डेफिनेटली जो है वो चाय तो हॉस्टल में रहते हैं तो वो हॉस्टल में भी बनाते हैं। आप हॉस्टल में भी चाय अगर बनाते हैं तो यहाँ में और हॉस्टल में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? यहाँ से ज़्यादा हॉस्टल का ही मज़ा आता है, जो चीज़ खुद बनाते हैं ना मेहनत करके वो उसका ही। तो ये जो MBA चाय वाला भाई, ये भी माशाल्लाह जब यहाँ पे स्टडी करते थे तो ये हॉस्टल में ही रहते थे, और इन्होंने वहीं से तजर्बा हासिल करके एक यहाँ पे पूरा स्टॉल लगा लिया। तो आपका इन फ्यूचर कोई ऐसा इरादा है? नहीं, मेरा तो फिलहाल कोई इरादा नहीं। नहीं, आपने अभी कहा ना कि जो चाय खुद बनती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप मुझे बताएं कुछ फ्यूचर में आपका इरादा है इस तरह का? फ्यूचर में
देखते हैं अभी क्या होता है, अब फ्यूचर हमारे हाथ में थोड़ी है जी, जो कुछ देखें कामयाबी जो है नाज़रीन वो इंसान के अपने हाथ में होती है, वो जितनी लगन करता है जितनी मेहनत करता है उसको उतनी ही कामयाबी मिलती है। अगर आपको ये सोच ले कि जी मैं बैठा हुआ हूँ ये चाय भी बन जाए मेरे मुंह में भी चली जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, तो मेहनत और लगन के साथ आप हर कामयाबी को समेट सकते हैं। ये मेरे पास गुड़ वाली चाय तैयार है, ये मेरे पास सादा चाय तैयार और ये इलायची चाय तैयार है, ये मेरे पास दूध बड़ा दूध बॉईल हो रहा है, ठीक है। और ये भी सादा चाय तैयार हो रही है, ये सादा चाय है और वो वाली ये इलायची और ये दूध है इलायची। तो इलायची वाली चाय भी सादा चाय की तरह ही होती है जी, इलायची वाली चाय भी पहले सादा चाय की तरह तैयार होती है, उसमें फिर इलायची डालते हैं, इलायची डाल उसको 5-10 मिनट फेंटते रहते हैं, इस तरह फेंट फेंट के फिर इलायची का टेस्ट जिस तरह आता है ठीक है उसमें, इसलिए फिर टेस्ट। आप यानी कि कस्टमर को चाय जो है वो कितनी देर में प्रोवाइड कर देते हैं, 10 मिनट लगते हैं 15 मिनट लगते हैं? जब तक सर मेरी चाय तैयार नहीं होती, बेशक कस्टमर चला जाए हम चाय जब तक तैयार नहीं होती कस्टमर किसी को चाय नहीं देते हम। कितना टाइम आप मैक्सिमम बता सकते हैं कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 3-4 मिनट लगते हैं चाय तैयार होने में।